हाई मैं ब्यूटिफुल लीब्रा एंड वेलकम टू फ्लोरलो रीडर हाउ यू गैस अंग लीब्रा थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ट्रेलिंग मीन अ लॉट लीब्रा मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक आर नंबर मैंशनड है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए हाई वेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस ओके uh, लीब्रा okay, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जी हाँ पॉपुलर डिमांड में दोबारा से सो so, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है इश्यूज हैं और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज आप ये वीडियो देख सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरम्भ कर दीजिए ओके लेट्स चेक पहले देखते हैं और कल डेक्स आपके लिए क्या क्या कैमस्टर्स आ रहे हैं लेट्स सी यू गॉट लक जैक पॉट रिवॉर्ड नाइस इज एंडस uh, ये, ये ये कोई वर्ड नहीं होता है अनप्लेजेंटेस कौन सा वर्ड होता है एनी anyway, वे आपके आपके पर्सन की एज थर्टी टू हो सकती है और आपके आपके पर्सन का लकी नंबर हो सकता है सेवन या वन या फाइव ओके okay. आपके लिए क्या Higher beings and uh, ancestors love life for Libra in the month of September 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is death. Current energies of your person is page of swords. Intention of your person is nine of wands, future action of your person is empress.

तो औरस बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो हम्म ये ये पास्ट का पर्सन दिख रहा है वैसे ये ऐसा आप शायद अपने एक्स की या किसी पास्ट के पर्सन की, की एनर्जीज चेक करवा रहे हो अगर न्यू पर्सन भी है तो भी देख सकते हो ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं आई मीन टू से दैट माय मीन क्या है आपका पर्सन आपका पर्सन व्हाट इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ये होंगे तीस पैंतीस चालीस पचास साल के बट मच्योरिटी तो बिल्कुल पंद्रह साल के टीन जैसी है इस पर्सन की आपके पर्सन की दे आर कॉन्टेक्टिंग यू फॉर श्योर ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं आपको आप मान के चलो तीन हफ्ते के अंदर अंदर बट ये मून समवेयर वट एम सींग ओवर हेयर इज दैट कि आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत नेगेटिविटी है पहला थाट भी आता है आप कुछ भी बोलते हो कुछ भी करते हो पहला थाट ही नेगेटिव आता है

अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है कोई फ्यूचर नहीं है एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो बट बहुत नेगेटिव सोच रहे हो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को फील हो रहा है कि ये खत्म हो गया है रिश्ता ऑल्सो डेथ की एनर्जी है कि कुछ आप दोनों के बीच में कुछ तो कुछ तो बहुत तो गंदे लेवल पे गंदी चीज पे गंदे लेवल पे कुछ एंड हुआ है जिस वजह से आप लोग शायद महीनों से शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो ये भी कह सक रहे हैं मंथस हो गए हैं आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से यहाँ पे द प्रॉब्लम इज दैट ना लाइक आई सेड डेथ विध मून ओवर हेयर डेथ मून एंड नाइन ऑफ मोन्स ये इंसान बहुत नेगेटिव है आप नहीं दिख रहे हो अगर आप होते तो मैं आपको बोलती हूँ लीब्रा दिस पर्सन इज हाईली नेगेटिव जब भी सोचते हैं नेगेटिव सोचते हैं जब भी कर सब कुछ भी करते हैं नेगेटिव सोचते हैं सो द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट लीब्रा कि ये पर्सन जो है ना ये पर्सन आपसे आपको लाइक like करते हैं लव करते हैं बट इनका खुद का बहुत ज्यादा ट्रॉमा है इनका चाइल्डहुड में कुछ इश्यूज हुए हैं या रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं जिस वजह से इनका इतना ट्रॉमा हो गया ये आपके ऊपर सब थोप रहे हैं सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी ज्यादा मैं कुछ बात नहीं करना चाहूंगी इनका गुस्सा इनके नाक पे रहता है आई मीन हम्म एनी वे लेट गेट स्टार्ट करेंट एनर्जीज ऑफ पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको भले ही ब्लॉक किया हुआ है तो अपनी फेक आई डी से आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत क्लियर कर दिख रहा है करंट एनर्जीज में ये बात करना चाहते करंट एनर्जीज में अब यहाँ पे मुझे जो कॉन्टेक्ट दिख रहा है ना लीब्रा वो ऐसा नहीं होगा कि हाई लीब्रा कैसे हो क्या चल रहा है नो no. कॉन्टेक्ट होगा ये आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे ये शायद ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ओ oh, लीब्रा आप क्या कोई दूसरी लड़की पटा लिए क्या क्या दूसरा लड़का पटा लिए क्या और आर यू डेटिंग समवन ऐसे क्वेश्चन आएगा सो दे विल इंक्वायर अबाउट योर डेटिंग लाइफ एंड देवायर की क्या आप सिंगल हो अभी भी क्या इनकी यादों में रो रहे आप रो हो आप कोई रो नहीं रहे होप्पी विथ यू एनॉर्जी लिपरा सो सॉरी ऑल्सो वट आई एम सींग इन द करेंट एनॉर्जी जानना चाहते हैं या आपके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं कि अभी आप लाइफ में करके आ रहे होता है ना कि जब मौत मन सी बात हो तो क्यूरोसिटी होती है कि भाई मेरा एक सभी क्या कर रहा होगा अभी वो अपने का ठीक से कर रहे हैं कि क्या लाइफ तो आपकी लाइफ अपडेट लेना चाहते हैं मतलब थिंग इज दैट ओवर है ना कि ये आ रहे हैं कुछ आपको ब्लेम करने ये ब्लेम करने आएंगे सरकाजम में काफी ज्यादा आपसे बात करने आएंगे सर्कैस्टिक टोन होगा इनका तो अगर ये कुछ भी बोलेंगे ना उल्टा पुल्टा, ये कुछ बोलेंगे आपको उल्टा सीधा तो माइंड मत करना लिबरा नाउ देर इंटेंशन फे यू इज नाइन ऑफ वॉन्स वही ना ये कुछ तो नेगेटिविटी थ्रो करते हुए दिख रही आ रहे हैं आपके ऊपर ब्लेम करने की ऊपर so निकालते हुए दिख रहे हैं इनका भी कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ री में आने का इनका कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ री में आने का या रिलेशनशिप को रिकंडल करने का बट फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर अब फ्यूचर एक्शन ऑफ़ दिस पर्सन द एम्प्रेस। आई मीन टू से फ्यूचर एक्शन लिब्रा मुझे दिख रहा है कि पहले तो ये आपके ऊपर ब्लेम करेंगे गालियाँ देंगे सरकेस्टिक होंगे गालियाँ मतलब वैसा गालियाँ नहीं नो मतलब आपको ब्लेम गेम करेंगे मैं मैं यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का अब्यूज नहीं मैं वो करती हूँ अगर कोई आपको अब्यूज कर रहा है चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो मेंटल अब्यूज हो वर्बल अब्यूज हो नहीं झेलना चाहिए गालियां आई मीन टू से ब्लेम गेम करना करने प्लीज उसका मिस इंटरप्रिटेशन मत निकालना ओके okay? सॉरी वो मैंने वर्ड बोल दिया बट उसका मतलब वो नहीं है बट दे फ्यूचर दैट पहले एक दो दिन ही आपसे लड़ेंगे फालतू तो लड़ेंगे उसके तीसरे दिन में तीसरे दिन में फिर इनका लविंग केयरिंग अप्रोच स्टार्ट होगा

नाउ लेट्स टॉक योर एनर्जी किंग ऑफ़ पेंटिकल्स मेरे से आपने जब तक जब भी यहाँ पे कोई कीड़ा चल रहा है क्या ये छोटे छोटे पता नहीं वो कीड़े कहाँ से आ रहे हैं मुझे यहाँ पे ये यह दिख रहा है कि जब से आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप या कनेक्शन में आए हो आप हमेशा अपने अच्छे इंसान के साथ इस इस इनके साथ बर्ताव नहीं है आपने कोई बदतमीजी नहीं की है आपने कोई झूठ नहीं बोला एक होता ना समझदार इंसान की तरह एक मच्छोर अडल्ट की तरह आपने इस पर्सन के साथ बिहेव किया ये यू लाइक दिस पर्सन आपने हमेशा रिस्पेक्ट किया आपने चीजों को रिश्तों को बहुत पेशेंस से बहुत सबर से हैंडल किया है यू आर इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी लिब्रा और वही मुझे दिख रहा है कि आपने इस इंसान की आ, क्या उसे कहते हैं चाइल्डनेस मतलब एक होता ना बच्चार्ण हरकते। बच्चार्ण हरकते आपने है ना ट्रॉमाटाइज uh, नहीं हो आपके अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है यू हैव रिस्पेक्टफुली एक्सेप्टेड द रियलिटी इन योर लाइफ एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ आपको मेरे हिसाब से बहुत से 90 को विश्वास है कि ये पर्सन वापस आएगा क्योंकि ये विश्वास इसलिए है क्योंकि आपने कभी इस इंसान के लिए ना गलत सोचा है ना गलत किया है आपने हमेशा बेस्ट दिया है इस आ, इस इस इंसान के लिए तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ये ये है है कि अगर दोबारा से आता है, आते हैं वेल एंड गुड मैं एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी बट आपका अप्रोच है कि अब मैं किसी की बदतमीजी नहीं झेलने वाला हूं मेरे हिसाब से यू आर इन दिस एनर्जी आप इस इंसान को सिर्फ एक लास्ट चांस देते हुए दिख रहे हो एंड लीब्रा अगर ये आ रहे हैं जो कि दिख रहा है तीन हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करें आप एक लास्ट चांस दो डेफिनेटली दो बट इनको बोलो कि रिस्पेक्ट से तमीज से आपको चलना पड़ेगा इस कनेक्शन में क्या होता है ना वही मतलब लाइफ ये कलियों लाइफ ऐसी जो इंसान इतना सॉर्टेड होता है अच्छा होता है लविंग केयरिंग एनर्जी में होता है उन्हें टॉक्सिक लोग ही मिलते हैं पता नहीं क्या है लाइफ के साथ सबके साथ यही होता है एंड विच अम्यूज मी कि ये क्या टॉक्सिक पैटर्न है अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते नहीं या मिलते हैं तो तो फिर फिर वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है फिर तो वो फिर तो वो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होता है जो seeing, Libra, that, कि आप एक चांस दो तो इस पर्सन को बट ये आखिरी चांस होना चाहिए यही मैं आपको गाइडेंस दूंगी मैं ये इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि आखिरी चांस दो क्योंकि फ्यूचर बहुत डाइसी है लीब्रा फ्यूचर जितना मुझे दिख रहा है लीब्रा इट्स इट्स नॉट बैट गुड क्योंकि मुझे दिख रहा है ये आएंगे अभी अभी ये लविंग केयरिंग एनर्जी में आएंगी बट इनकी टॉक्सिसिटी इनकी नेगेटिविटी फिर से डेवलप uh, होते हुए हो दिख रही है अगर दिफ दिस इज अ वूमन इनको इनको बोल दो भाई अपना हेल्थ चेकअप करा लो इनको कुछ तो हारमोनल uh, uh, पंगे चल रहे हैं इनको पी सी ओ एस थायरॉयड या इनको कुछ तो हार्मोनल डिसबैलेंस है जिस वजह से इतना फ्यूरियस या इतना इतना ज्यादा मूडी बिहेव करते प्लीज गेट प्लीज टेल दिस पर्सन टू गेट दर हेल्थ चेकअप क्योंकि दिख रहा है हेल्थ प्रॉब्लम दिख रहा है आपकी पर्सन की एंड ओवर हेयर सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है तो मैं यही बोलूंगी कि फ्यूचर फ्यूचर में फिर से बहुत मूड स्विंग्स है फिर से ये इंसान बदतमीजी करते हुए दिख रहा है मैं यही बोलूंगी लीबा ज्यादा किसी की बदतमीजी झेलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी की नॉनसेंस झेलने की जरूरत नहीं है आप अपनी लाइफ पे फोकस करो बिल्कुल चांस दो बट दैट चांस शुड बी द लास्ट चांस यही मैं आपको बोलूंगी इस रीडिंग में एंड प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विथ योर पर्सन अगर हो सके तो एंड टेल दिस पर्सन की अपनी हेल्थ चेकअप कराओ अगर ज़्यादा ही मूड स्विंग्स एंड ये हो रहे हैं दिस वॉज योर रीडिंग लीब्रा बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टा वीडियो बाय